धार्मिक नगरी हरिद्वार में 14 जुलाई से कांवड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभागों को कांवड़ मेले से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कांवड़ मेले के दौरान लगने वाली खाद्य वस्तुओं की अस्थायी दुकानों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया कि मेले के दौरान जो खाद्य वस्तुओं की दुकानें लगाई जाएंगी, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। हरिद्वार से नरेंद्र तोमर की रिपोर्ट। जो ये इनमें अस्थायी दुकानें लगती हैं, इनके हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी किए जाते हैं। उनके द्वारा अप्लाई करने के बाद हम इनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे एरिया के, और अगर यदि कोई हमें गलत पाया जाता है तो उन पर विधिक कार्रवाई हेतु कार्य वो किया जाए कार्रवाई की जाए।